राधे राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आने वाला है साल का सबसे बड़ा त्योहार अक्षय तृतीया का त्योहार। मेरे को अक्षय तृतीया पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसका एक ही रीजन है, इस दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वैसे तो इस दिन 24 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, लेकिन मेरे लिए तो मेरे आराध्य बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन ही चारों धाम है, चारों तीर्थ है, स्वर्ग लोक है, धरती लोक है, सब कुछ उसमें समाहित है। जिनके नेत्र इतने मधुर हैं, जिनके नेत्रों को बोला जाता है नैनम मधुरम, उनके चरण तो कैसे नहीं होंगे। खैर, साल का सबसे बड़ा त्योहार जिसको अक्षय तृतीया के नाम से संबोधित किया जाता है, आज मैं आपको वो बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। बाल गोपाल बाल स्वरूप है, लड्डू गोपाल जो होते हैं हमारे घर पे, उनकी सेवा जो होती है वो बालक रूप में होती है, बच्चे के रूप में होती है। चाहे आपसे उनका रिश्ता किसी भी रूप में क्रिएट हो रखा हो, चाहे आपने पिता बना रखा हो, भाई बना रखा हो, दोस्त बना रखा हो, लेकिन उनकी जो सेवा होती है, उनकी जो पूजा अर्चना वंदना होती है वो बाल स्वरूप में ही होती है, अर्थात बच्चे के रूप में ही उनकी सेवा होती है। जैसे बांके बिहारी जी जो है उनकी सेवा बालक स्वरूप में होती है, उसी तर्ज पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी की सेवा अर्चना वंदना होती है, वैसे ही हम लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना वंदना करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पर आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो सुबह सुबह आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाना है। उठाने से पहले आपको खुद भी स्नान करना है। मैं हमेशा कहती हूँ गंगा जल डाल के स्नान करो, ये करो वो करो, लेकिन इस दिन आपको गुलाब जल, गंगा जल डाल के तो स्नान करना है, लेकिन साथ ही के साथ गुलाब जल भी डालना है अपने स्नान के जल में। क्यों? क्योंकि गुलाब जल की जो तासीर होती है वो ठंडक देने वाली होती है, और अक्षय तृतीया जो त्योहार है वो बेसिकली गर्मियों का त्योहार है, और इसमें वो सारी चीजें की जाती हैं जिससे हमारे शरीर में ठंडकता मिले, ठंडी चीजों का दान, ठंडी चीजों का सेवन इत्यादि, ठीक है ना। क्योंकि इसी दिन से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की 21 दिवसीय चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। कहीं कहीं पे वो 21 दिवसीय होती है, कोई कोई 5 दिन तक करता है, और कोई कोई अक्षय तृतीया वाले दिन तक भी करता है। तो वो टोटली आप पे डिपेंड है कि आप कब तक करोगे। उसके बाद सबसे पहले आपने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाना है। जब आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाओगे तो उनको पंचामृत से स्नान कराना है, लेकिन पंचामृत में गंगा जल मिलाकर ही स्नान कराना है, क्योंकि गंगा जल की जो तासीर है वो ठंडी होती है, इसलिए आपको गंगा जल मिलाना है। उसके बाद अपने लाला को स्नान इत्यादि कराना है। स्नान कराने के बाद लाला का आपको श्रृंगार करना है, वो चंदन से करना है। जैसे कि अगर आप चंदन घिस रहे हो तो उसमें गुलाब जल डाल दीजिए, क्योंकि इस दिन लाला के पूरे शरीर में चंदन लगाई जाती है, जिसको चंदन यात्रा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगर आप पूरे शरीर पे चंदन लगाने में अनकंफर्टेबल हो कि लाला के पूरे शरीर में चंदन कैसे लगाऊं, लाला अनकंफर्टेबल रहेगा, तो आप उनके चरणों में भी चंदन लगा सकते हैं। अगर आपने पूरे शरीर में चंदन लगाई तो लाला को केवल लंगोट धारण कराएंगे, लेकिन अगर आपने चरणों में चंदन लगाया है तो आप सफेद रंग के वस्त्र धारण कराएंगे, क्योंकि सफेद रंग शीतलता प्रदान करता है, इसलिए सफेद रंग के वस्त्र धारण कराएंगे। वो टोटली आप पर निर्भर है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, अक्षय तृतीया वाले दिन पूरे शरीर पर ही उनके चंदन लगाती हूँ। आप चंदन घिस भी सकते हो, वो जो लकड़ी आती है उसको घिस कर भी लगा सकते हो। अगर आप उसको घिसोगे तब भी आपको गुलाब जल से घिसना है, और अगर आप चंदन बाहर से कहीं लेके आ रहे हो और उसको घोलना है तब भी आपको उसको गुलाब जल से ही घोलना है। चंदन जब भी आप लाला को लगाओ तो इस बात का ध्यान रखना, उसमें तोड़कर हल्का सा भीमसेनी कपूर, दो प्रकार के कपूर आते हैं, एक भीमसेनी होता है, एक दूसरा होता है। जो भीमसेनी कपूर होता है वही पूजा में यूज होता है। कपूर की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, तो हल्का सा कपूर मिला दीजिएगा ताकि लाला को ठंडक का एहसास हो। तो लाला के पूरे शरीर में आप पूरे शरीर में आपको चंदन लगा देना है। वो टोटली मैं आप पे छोड़ रही हूँ, जैसा आपके मन का भाव आए, चाहे तो पूरे शरीर में चंदन लगा सकते हैं या फिर चरणों में और हाथ में चंदन लगा सकते हैं। पूरे शरीर में चंदन लगाया है तो लंगोट धारण कराइए, और पूरे शरीर में चंदन नहीं लगाया तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करा सकते हैं। आप 5 दिन तक ये कार्य कर सकते हो, या फिर अक्षय तृतीया वाले दिन तक कार्य कर सकते हो, या फिर 21 दिन तक वो कार्य कर सकते हो। उसके बाद लाला को भोग समर्पित करना है, और इस दिन सबसे पहला जो भोग होगा, मतलब सुबह सुबह आपने दूध वूध का भोग तो लगा दिया होगा, वो तो सभी लगाते, सबसे पहला भोग होगा वो होगा सत्तू का भोग। इस दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी को सत्तू का भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि सत्तू जो होता है, सत्तू की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो आप सत्तू को घोलिए, सत्तू को, और बांके बिहारी जी को सत्तू का भोग अवश्य लगाइए। बाकी जो भी ठंडकता प्रदान करने वाली चीजें होती हैं,
जैसे कि आप आमरस इस दिन अवश्य बनाइए, आमों का जूस बनाइए या फिर मैंगो शेक बना सकते हैं, आमरस बना सकते हैं, खरबूजे का जूस बना सकते हैं, तरबूजे का जूस बना सकते हैं। जो भी ठंडकता प्रदान करने वाली चीजें होती हैं वो आप लड्डू गोपाल को भोग स्वरूप अवश्य लगाइए, जैसे कि तरबूज का भोग, खरबूज का भोग, आम का भोग, खीरे का भोग, ककड़ी का भोग, जिसमें भी ठंडकता प्रधान होती है वो सारे भोग आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया तो वो पंचामृत का सेवन आपको खुद करना है, व्रत में भी पंचामृत का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद स्नान कराने से पहले पूरे शरीर में इत्र की मालिश अवश्य कीजिएगा। जब आप पूरे शरीर में इत्र की मालिश कर रहे हो तो आप खस का इत्र ले सकते हो क्योंकि वो ठंडकता प्रदान करता है, मेहंदी का इत्र ले सकते हो क्योंकि वो भी ठंडकता प्रदान कर सकता है, या फिर आप चंदन का इत्र ले सकते हो, उससे आप पूरे शरीर में लड्डू गोपाल के मालिश कर दीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप उनकी चंदन यात्रा आपको निकालनी है, अर्थात पूरे शरीर में चंदन लगाना है। वो भी बताऊंगी कि वो जो चंदन आपने लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में लगाया हुआ है उसका क्या करना है, ये भी मैं आप लोगों को अवश्य और अवश्य बताऊंगी। तो फिर पूरा आप पे निर्भर करता है कि आपको लगता है कि मौसम सही है, मौसम का कंडीशन, मौसम में गर्मी है तो आप लड्डू गोपाल को दोबारा स्नान करा सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मौसम में ठंडक है, मेरे लाला को ठंड लग जाएगी, तो आप एक उनकी जो तौलिया है उसको गीला करके उनको पोंछ सकते हैं और दोबारा से उनको खस का इत्र लगाइए या फिर चंदन का इत्र लगाइए या मेहंदी का इत्र लगाइए और उनको रात को भोग इत्यादि दीजिए और फिर रात को उनको सुला दीजिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अक्षय तृतीया पर उनको चंदन सेवा आपको अवश्य करनी है। अक्षय तृतीया पर चंदन सेवा करने के साथ ही गर्मी की सभी चीजों का भोग आपको अवश्य लगाना है। अक्षय तृतीया से ही आपके खस के इत्र की और चंदन के इत्र की और मेहंदी के इत्र की जो सेवा होती है वो शुरू हो जाती है। वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप शाम को उनको नहलाना चाहते हो या फिर आप उनको केवल पोंछना चाहते हो। आप जो लड्डू गोपाल ने चंदन लगा रखा था उसको आपको इकट्ठा करना है और एक डिब्बे में भर के रख लेना है। वो चंदन आपको नित्य अपने मस्तक पे लगाना है, अपने हाथों पे लगाना है, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जाओ वो आपको अवश्य करना है। ये जो चंदन यात्रा है ये आप 5 दिन तक कर सकते हैं, 7 दिन तक कर सकते हैं या 21 दिन कर सकते हैं, या फिर आप अक्षय तृतीया वाले दिन तक भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल को कुछ उपहार में स्वरूप जरूर दीजिए, जैसे कि अक्षय तृतीया पर आप उनको एक चांदी की बांसुरी उपहार स्वरूप अवश्य दीजिए। अक्षय तृतीया पर आप उनको एक चांदी का गिलास दे सकते हो क्योंकि चांदी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो अक्षय तृतीया से ही चांदी के गिलास में उनको दूध इत्यादि दीजिए क्योंकि चांदी की तासीर ठंडी होती है और अगर आप गिलास में दूध भर के उनको दोगे तो वो ठंडी तासीर का उनको दूध जाएगा। ध्यान रखिए कि अक्षय तृतीया से गर्मी का जो होती है वो अपनी पीक पर होती है। इस समय पे बांके बिहारी जी को हर चीज ठंडी ठंडी दी जाती है, इसी प्रकार आप अपने लाला को भी हर चीज ठंडी ठंडी ही प्रदान करें। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा हरिओम। बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि अक्षय तृतीया पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल के चरणों में पायल बनाई जाती है। आप पायल बना सकते हो, खड़ऊ जिसको बोलते हैं वो पहना सकते हो, अर्थात उनके पैरों में कुछ ना कुछ चीजें अवश्य पहनाए, नजरिया पहना सकते हैं, उनके चरणों के दर्शन आप लोग करें, अपने पूरे परिवार को कराएं। बहुत शुभ होता है क्योंकि इस दिन बाकी बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी जरूर और जरूर होते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।